सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजियों का दिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे हम आसमां, अभी से हम क्या बताएं क्या हमारे दिल में। तो अपने क्षेत्र की छोटी से छोटी बड़ी बातों को जगदीश झोंकर के साथ चंचल शर्मा, ऐसा देवर फ्रेंड्स पर हम सब देखेंगे। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज़ चैनल जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। पूर्व सैनिक समिति गौतम बुद्ध नगर के द्वारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर जेवर के करीबी गाँव थोरा में मेन चौक पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व सैनिकों के अलावा गाँव के अनेक सम्भ्रांत लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। हम उनको याद करें, हम उनको नमन करें, हम उनको श्रद्धास्मन करें। कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता एवं समाज सेवी डॉक्टर दिनेश पाल सिंह और आर्मी के एक्स कर्नल श्री अत्री कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने थोरा गांव के मेन चौक पर ध्वजारोहण किया। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आज थोरा में मेन चौक पर ये पूर्व सैनिक विकास समिति के नाम से एक संस्था है जो पूर्व सैनिकों के उत्थान के लिए कार्य करती है, और इनके द्वारा कर्नल साहब हैं यहाँ पर और डॉक्टर दिनेश पाल सिंह हैं, इनके द्वारा ध्वजारोहण किया गया था। इसके बाद डॉक्टर दिनेश पाल छोंकर साहब हमारे साथ हैं। ये हमारा पूर्व सैनिक विकास समिति का कार्यक्रम था जो थोरे गाँव में हुआ, जिसमें हमारे रिटायर कर्नल साहब और सभी हमारे फौजी जितने भी हैं वो सब आए, और उन्होंने बहुत अच्छा बेहतरवां जो गणतंत्र दिवस का उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया, और इसमें एक सही सीख जा रही है कि जो युवा हमारे क्या कहते हैं पथभ्रष्ट हो गए हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए अगर इन्होंने क्या कहते हैं शुरुआत कर दी तो शायद हम बहुत आगे जाएँ, और यही हम चाहते हैं कि हमारे प्रति सैनिक अपने यहाँ से अपने गांव में से कम 5 लोगों को तो सेना में भेजने का कार्य कर रहे हैं, जिससे कि उनको इच्छा हो और आगे बढ़ें और सम्मानित प्राप्त करें। इसके अलावा कर्नल साहब मेरे साथ हैं जो मुख्य अतिथि के रूप में आज यहाँ मौजूद रहे हैं। कर्नल साहब बहुत बहुत स्वागत है जेवर प्रेस पर। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच। आपने सभी पूर्व सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम रखा है, आप ये संस्था चला रहे हैं, क्या उद्देश्य है इस संस्था का और क्या कहना चाहेंगे? मैं इस गाँव से हूँ, थोरा गांव का एक बेटा हूं मैं। मेरा जीवन पैदाइश मेरी थोरा गांव की है, लेकिन मेरा जीवन पूरे देश में अलग अलग जगह पर व्यतीत हुआ, क्योंकि मेरे पिताजी भी स्वर्गीय दलवीर सिंह अत्री भी फौज में थे और मैं भी फौज में रहा। अब मैं फौज से रिटायर्ड होकर के आने के बाद में मैं इस गांव की अपनी जन्मभूमि में आया हूँ, और मैं अपनी इस गाँव की जन्मभूमि में मैं अपने पूरे गाँव के जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं, युवा पीढ़ी है, उन सब के साथ एकजुट होके मिलके और इस गांव की उन्नति तरक्की की उम्मीद करूँगा। इस संस्था का बेसिक उद्देश्य है कि हम जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं सब एकजुट होकर के और एक दूसरे का सहयोग करें, मदद करें, और भविष्य के लिए और हमारे युवा पीढ़ी वालों को प्रोत्साहित करें ताकि वो हमारी भारतीय सेना में किसी भी अंग को ज्वाइन करें। कार्यक्रम में पहुंचे अनेक विशिष्ट अतिथियों एवं जेवर प्रेस की टीम का पूर्व सैनिकों एवं संस्था के पदाधिकारियों द्वारा स्वागत एवं सम्मान किया गया। जेवर प्रेस के श्रीमान चंचल शर्मा जी समय समय पर उस बात को पहुंचाने में रात हो या दिन हम सबके बीच में है। मैं समिति के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें, सौभाग्य है। आपने तो समाज के लिए सहयोग राशन देने का अनेकों कार्य किए थे, वो चंचल जी ने बहुत अच्छी तरह से समाज के बीच पहुंचाए थे, बहुत बहुत है। जो अपने क्षेत्र की छोटी से छोटी बड़ी बातों को 30 छोकर जगदीश
जोकर के साथ चंचल शर्मा, ऐसा देवर प्रेस पर हम सब देखेंगे। आज सैनिकों के बीच आकर जो मुझे सम्मान दिया गया है, इसकी इसके बारे में निःशब्द हूँ। मैं नहीं कह सकता कुछ भी। मेरे परिवार में फौजी है, वो रात को आज भी जब वो मुझे अपने फोन पर दिखाते हैं तो रात को 10-10 11 बजे बर्फ में वो लोग ड्यूटी करते हैं। तो एक फौजी की जो इमेज है हमारे नजरों में, हमारे माइंड में, वो सदैव रेस्पेक्ट की रहती है, पूजनीय रहती है। और आज इस समिति के जो फौजी भाई हैं, पूर्व सैनिक हैं, उन्होंने हमें सम्मान दिया। मैं पूरी समिति का, सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और जितना मुझसे हो सकेगा मैं इस समिति के लिए अपने चैनल के माध्यम से। पूर्व सैनिक विकास समिति नामक सेना के रिटायर्ड जवानों की यह संस्था पूर्व सैनिकों के उत्थान हेतु कार्य करती है, साथ ही रिटायर्ड होने के बाद उनके जीवन में आने वाली विभिन्न प्रकार की परेशानियों के समाधान हेतु बढ़ चढ़कर आगे आती है, साथ ही युवाओं को सेना के विभिन्न विभागों में भर्ती कराने के लिए जागरूक एवं प्रयासरत रहती है। नीतीश छोकर के साथ चंचल कुमार शर्मा की रिपोर्ट, जेवर प्रेस के लिए।